हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मटर की सीजन आ गई है और ठंडी में हमें आलू की मटर की सब्जी मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाती है। तो इसे हम आज नए तरीके से आपको बना के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। आलू मटर बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा। आलू मटर में जीरा का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। जीरा को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा हमें जलाना नहीं है, यानी कि इसमें चटकने की आवाज़ आने लगे तो अपना जीरा हो चुका है। अब यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज प्याज को बारीक बारीक काट लिया है ग्रेवी के लिए, उसे डाल देंगे और चलाते हुए हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। 5 से 6 मिनट लगता है प्याज सॉफ्ट होने में। कोई भी सब्जी आप बनाइए, मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट लगता है प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है। प्याज को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं अपना प्याज का कलर कितना बढ़िया आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन, जिसे हमने कूट लिया है। आलू मटर में ज़्यादा अदरक लहसुन नहीं डालते हैं क्योंकि मटर का आरोमा जो है वो छुप जाता है। तो हम इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अदरक लहसुन भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े बड़े टमाटर, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप यहाँ पे प्यूरी भी डाल सकते हैं, पर हमने इसे ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है। अब हम इसे भी प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। हमें क्या करना है, टमाटर के साथ में मसाला भी ऐड कर देना है। तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि यहाँ पे हम 4 जने के लिए आलू मटर की सब्जी तैयार कर रहे हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, पर 2 चम्मच सही होता है। हम टमाटर के साथ मसाले को भी भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 3 से 4 मिनट लग सकता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं टमाटर के साथ हमने मसाले को भून लिया है। अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। तो हम स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डाल लेंगे। हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, साथ में हम डालेंगे 1/2 चम्मच हींग। हमने यहाँ पे कुछ खड़ी मिर्चें रखी हैं। आलू मटर में खड़ी मिर्च का स्वाद बहुत बढ़िया आता है, तो आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। हींग अमचूर पाउडर नमक के साथ 2 से 4 मिनट तक भूनने की कोशिश करेंगे, यानी कि जब तक अपनी मसाला अच्छे से भून जाए हम उसे भूनेंगे। अब हमें चलाना बंद नहीं करना है, नहीं तो तले में लग सकता है। मसाला अच्छे से भून चुका है, यानी कि कढ़ाई तेल छोड़ने लगा है। आप देख सकते हैं अपना ये मसाला सूखा सूखा तैयार हो गया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे मटर। तो मटर हमने यहाँ पे फ्रेश लिया है। फ्रेश मटर की सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। इसे हम मसाले के साथ
भून लेंगे। तो इसे हमें एक मिनट तक अच्छे से भून लेना है। इतनी बढ़िया कलर आ रही है मटर की सब्जी की। हमने मसाले के साथ मटर को एक मिनट तक भून लिया है, तो हमें बटाना को थोड़ा सॉफ्ट करना है, क्योंकि फ्रोजन मटर हो तो हम जल्दी उसे पका लेते हैं और फ्रेश मटर हो तो उसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐसे मटर को मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं अपनी मटर की कलर, ग्रेवी की कलर कितनी बढ़िया आ रही है। अब हमें मटर को कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तभी अच्छे से सॉफ्ट होगा अपना मटर। अब चलिए हम कवर हटा के अपनी सब्जी चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी मटर जो है अच्छे से उबल रही है। तो ये 80% सॉफ्ट हो चुका है। अब हम बाकी के 20% आलू के साथ पकाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी तैयार होती है, इसे सभी लोग पसंद करते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। आलू को हमने बॉयल करके पील कर लिया है, तो इसे हम हाथ से ही तोड़ के डालेंगे, जैसे कि हम समोसा में तोड़ते हैं। एकदम मोटे मोटे छोटे छोटे पीसेस करके तो हम इसमें 4 आलू डालेंगे, जैसा कि हमने बताया आप लोगों के लिए कि ये सब्जी हम 4 जने के लिए तैयार कर रहे हैं। आलू को हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। कुछ बड़े होंगे तो हम ऐसे इधर से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब हम इसे मटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू मटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी का आरोमा मटर में बहुत ही बढ़िया आता है। आपके पास है तो डालिएगा जरूर, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसकी थिकनेस भी आप देखिए, बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक और उबाल लेना है, जिससे जो मटर है कच्चा होगा वो भी पक जाएगा और आलू के पीसेस में अच्छे से ग्रेवी जो है वो भी ऑब्जर्व हो जाएगी। तो हम इसे कवर करके पका ले रहे हैं। तो चलिए हम आलू मटर की सब्जी को चेक कर लें। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आई है। मटर भी अपना पका पका दिख रहा है। तो हम ऐसे पेस्ट करके आपको दिखा दे रहे हैं, मटर अच्छे से पक चुका है। सब्जी की थिकनेस भी बहुत बढ़िया है। हमें पूरी, पराठे, रोटी, राइस जैसे भी खानी हो, एक थिकनेस सही रहती है सब्जी की। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्व करने के लिए एक सर्विंग कढ़ाई ही लिया है। इसमें हम आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया अपनी आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे बनाना कितना आसान था, इसकी कलर और ताजी ताजी मटर की सब्जी ठंडी में खाने को मिले तो मजा आ जाती है। आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार है, आपने देख लिया इसे बनाना कितना ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।